आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। प्रयागराज शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर हंडिया उतराव के बीच टवेरा कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से कई लोगों की मौत की खबर मिली है। बताया जा रहा है कि मृतकों में 4 महिलाएं और एक बच्ची है। यह सभी लोग एक ही परिवार के हैं, जो प्रयागराज के सोराव इलाके के शिवगढ़ सराय लाल से विंध्याचल जा रहे थे। सुबह करीब 7:45 बजे हंडिया में सुजौला गांव के निकट बिजली के खंभे से टकराने के बाद कार पलट गई, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला जख्मी है। सुबह घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर स्थानीय पुलिस के साथ ही करीब 9:30 बजे IG रेंज प्रयागराज राकेश सिंह भी पहुंचे। उन्होंने पुलिस से दुर्घटना का ब्यौरा लिया। खबर पाकर पहुंची पुलिस ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला तो पता चला कि कई लोगों की जान चली गई है। सभी शवों को SRN अस्पताल के चीरघर में रखकर परिवार को सूचना दी गई। घायलों में उमेश पुत्र स्वर्गीय श्यामलाल उम्र 33 वर्ष, प्रिया पत्नी उमेश उम्र 30 वर्ष, गोटू पुत्री रमेश उम्र 12 वर्ष, ऋषभ पुत्र राम सजीवन अग्रहरी उम्र 26 वर्ष, चालक इरशाद है। सभी निवासी शिवगढ़ के हैं। सभी घायलों को CHC उपरदहा भेजा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस भीषण दुर्घटना में 5 लोगों की मौत पर गहरा शोक प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि जानकारी मिलते ही प्रयागराज के पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर पहुंचने का निर्देश दिया, साथ ही घायलों का समुचित इलाज कराने के लिए कहा है। आप देख रहे हैं NMT न्यूज और आपको रखे सबसे आगे।